वंश में राजा उग्रसेन हुए, उनके 9 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस। देवकी माता कंस की चचेरी बहन थी, लेकिन अपनी बहन से भी ज्यादा प्रेम करते थे वो। उन्होंने अपने मित्र वसुदेव के साथ देवकी माता का विवाह करवाया। विवाह के बाद विदाई हो रही है तो छोड़ने जा रहे हैं। कंस कहते मैं खुद रथ चलाकर जाऊंगा, मेरी सबसे प्रिय बहन है। रथ चलाकर जा रहे हैं कि एक आकाशवाणी होती है कि मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से लेकर जा रहा है उसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। एक बार के उसे बड़ा क्रोध आता है, लेकिन फिर जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो कहे काल तब बनेगी जब पैदा होगी। अरे मैं देवकी को ही मार दूंगा तो संतानें कहां से होगी। तलवार निकालते हैं, मारने लगते हैं कि वासुदेव जी बीच में आ जाते हैं। तुम्हें 8वीं संतान से खतरा है ना? अरे 8वीं छोड़ो, मैं अपनी हर संतान तुम्हें ला कर दूंगा, तुम देवकी को कुछ मत करो। ठीक है, कारागार में डाल दिया गया। और सेवकों से जो वहां पर सैनिक थे उन सबसे कहा गया कि ये मुझे बताए ना बताए, ये जैसे ही गर्भवती हो मुझे बताना। वो 9 महीने बाद खुद पहुंच जाता था। यहां पर पहला बालक हुआ। पहला बालक लेकर वसुदेव जी आते हैं। उस वक्त कंस के मन में थोड़ी दया की भावना आ गई थी। तब नारद जी आते हैं कमल का पुष्प लेकर। नारद जी कहते बताओ इसमें पहली पत्ती कौन सी और 8वीं पत्ती कौन सी। कंस कहे इसमें तो हर पत्ती पहली और हर पत्ती 8वीं। तो बोले तुम्हें क्या पता विष्णु ने कैसी गिनती की हो, क्या पता उसने उल्टी गिनती की और पहली संतान ही 8वीं संतान हो। इसका कारण क्या था कि किसी को लगे कि नारद जी ने फिर जानबूझ के किया। वो तो छोड़ रहा था। वो छोड़ इसलिए रहा था क्योंकि उसकी बहन का बच्चा था, पापी वो था। वही कोई और बच्चा होता तो वो नहीं छोड़ता, इसीलिए उन्होंने उसे वो पाप करने से भी, क्योंकि बाद में भगवान वो बच्चे वापस देते हैं। तो उसे समझ आता है नारद जी किस ओर इशारा कर रहे हैं। वो कारागार के अंदर जाता है, बच्चे को उठाता है और बड़ी क्रूरता से उसकी हत्या कर देता है। पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 संतानों को मारता है।